हेलो डीसी फैंस, वेलकम बैक टू माय चैनल दास्तान टीवी। तो डीसी से रिलेटेड कुछ अपडेट्स हैं जिनके बारे में हम लोग बात करेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले एक र्यूमर सोशल मीडिया पे सब बहुत ज़्यादा घूम रहा है, आपको भी पता चल गया होगा। जो हॉलीवुड के एक एक्टर हैं, जो एक कॉमेडियन भी हैं, कुमैल नंजियानी, जो डिज्नी की इटर्नल्स में भी नजर आए थे, ये कहा जा रहा है कि ये दरअसल बूस्टर गोल्ड का रोल प्ले कर सकते हैं डीसी यूनिवर्स में। अच्छा गाइज, इस न्यूज़ का जो सोर्स है वो है नेक्सस पॉइंट न्यूज़। इस मीडिया पोर्टल के पिछले कुछ स्कूप जो थे वो फेक साबित हुए थे, जेम्स गन ने डिबंक कर दिया था। तो फिलहाल मैं यही कहूंगा कि आप इस र्यूमर पे यकीन मत करिए। हालांकि कुमैल नंजियानी ने फिर खुद भी ये बोल दिया कि वो बूस्टर गोल्ड प्ले नहीं कर रहे हैं। लेकिन गाइज, कुछ देर के लिए अगर मान लें ये बूस्टर गोल्ड का रोल प्ले कर रहे हैं, तो देखिए इनकी जो एक्टिंग करने की स्टाइल है, जो इनकी कॉमेडी करने का स्टाइल है, जो इनकी पूरी वाइब है, वो बूस्टर गोल्ड से मैच तो होती है। यानी एक्टिंग वाइज तो हाँ गाइज, ये बूस्टर गोल्ड के कैरेक्टर के साथ कहें तो जस्टिफिकेशन कर सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि अगर कुमैल नंजियानी, जो डिफरेंट इथेनिसिटी के हैं, वो अगर बूस्टर गोल्ड का रोल प्ले करेंगे तो डेफिनेटली गाइस एक बैकलैश होगा बहुत बड़ा। तो देखते हैं फ्यूचर में क्या होता है। फिलहाल मैं यही कहूंगा कि ये र्यूमर है, अभी इस न्यूज पे यकीन मत करिए। लेकिन गाइज आप जरूर बताइएगा, मान लीजिए अगर ये न्यूज सही है तो क्या कुमैल नंजियानी एक अच्छी चॉइस रहेंगे बूस्टर गोल्ड के लिए? प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और एक रिपोर्ट जो कुछ दिन पहले निकल के आई थी कि जैक स्नाइडर की जो जस्टिस लीग है, उसका जो ब्लैक एंड व्हाइट वर्जन है जस्टिस इज ग्रे, शायद उसको थिएट्रिकल रिलीज मिल सकता है। ये जैक स्नाइडर ने टीज किया था, लेकिन ये भी कहा जा रहा है ये कोई ऑल ओवर वर्ल्ड थिएट्रिकल रिलीज नहीं होगा, सिर्फ कुछ लिमिटेड जगह पे ही रिलीज होगा। और जो रिवर मून के डायरेक्टर कट जो आने वाले हैं, उनका भी थिएट्रिकल रिलीज मिलेगा लिमिटेड। तो कुछ लोगों का कहना है कि उन्हीं के साथ शायद जैक स्नाइडर की जस्टिस लीग को भी लिमिटेड थिएटर्स में दिखा दिया जाए, यानी यूएसए के कुछ में भी कुछ गिने चुने थिएटर्स होंगे जहां पे फैंस के लिए स्क्रीनिंग की जाएगी जैक स्नाइडर के स्नाइडर कट की। और आप ऑलरेडी जानते हैं जैक स्नाइडर ने भी ये बात बोली हुई है कि पुरानी रिजीम जो थी वार्नर ब्रदर्स की, वो जैक स्नाइडर को। लेकिन गाइज जो ये वाली रिजीम है, जेम्स गन जिसको रन कर रहे हैं, इनके रिलेशन अच्छे हैं जैक स्नाइडर के साथ। जैक स्नाइडर ने भी ये बात बोली है कि जेम्स गन उनके फ्रेंड हैं, और जो स्नाइडर कॉन इवेंट हुआ था वो इसीलिए पॉसिबल हो पाया था क्योंकि जेम्स गन ने ग्रीनलिट किया था कि हाँ आप मूवीज दिखा सकते हैं अपनी फैंस को। तो डायरेक्टर्स के बीच में कुछ नहीं है मतभेद, लेकिन आप जानते हैं फैंस जो हैं उनकी क्या हालत है, वो एक दूसरे के डायरेक्टर को गाली बकते रहते हैं, उनके फैमिली मेम्बर्स को गाली बकते रहते हैं, लेकिन वो एक अलग चीज़ है। फिलहाल ये जो स्नाइडर कट वाला मामला है कि भैया इसको थिएट्रिकल रिलीज मिलेगा लिमिटेड कुछ गिने चुने थिएटर्स में, आई थिंक ये बहुत अच्छी न्यूज़ है। और शायद ये इनडायरेक्टली इस बात को कंफर्म भी कर रहा है कि जैक स्नाइडर 300 की जो प्रीक्वल सीरीज बनाने वाले थे, वो शायद उसके लिए वार्नर ब्रदर्स में वो रिटर्न हो जाएं। और गाइज अगर आप मेरे चैनल के पुराने सब्सक्राइबर हैं, मैंने हमेशा ये बात बोली है कि स्नाइडर वर्स का लाइव एक्शन वर्जन अब पॉसिबल नहीं है क्योंकि डीसी यूनिवर्स रिबूट हो चुका है। एनिमेटेड फॉर्म में स्नाइडर वर्स को रिस्टोर करने की चांसेस हैं 0.01% के आसपास, लेकिन कॉमिक बुक वर्जन में स्नाइडर वर्स रिस्टोर हो जाए इसकी हमेशा चांस रहेगी। कॉमिक बुक वर्जन में स्नाइडर वर्स जो रिस्टोर हो रहा है इसकी उम्मीद आप कभी भी मत छोड़िएगा। अब गाइज नेक्स्ट अपडेट की बात करें, जो सुपरमैन मूवी है इससे रिलेटेड कुछ ढेर सारी सेट पिक्स रिवील हुई थी, और एक बेसबॉल स्टेडियम हमको दिखाया जा रहा था जहां पे एक एक्शन सीन फिल्म किया जा रहा है। हमारा सुपरमैन जो है वो इंजीनियर के कैरेक्टर के साथ बैटल कर रहा है, और गाइज वो जो लंबा कैरेक्टर था जो सुपरमैन को अरेस्ट करके लेके जा रहा था, उससे भी सुपरमैन बैटल कर रहा है। ये जो बेसबॉल का स्टेडियम है, बताया जा रहा है कि ये लॉर्ड टेक का है, यानी मैक्सवेल लॉर्ड इस बेसबॉल स्टेडियम का मालिक है। गाइज एक क्लिप भी निकल के आई थी जिसमें जो इंजीनियर है वो सुपरमैन को ड्रैग करके, यानी जमीन में रगड़ा के लेके जा रही है उसको पंच करते हुए, बिल्कुल वैसे ही जैसे सुपरमैन ने जॉर्ड को खेत में रगड़ा के मारा था मैन स्टील वाली मूवी में। तो थोड़ा सा वैसा ही आई थिंक एक एक्शन सीन सुपरमैन मूवी में भी होने वाला है। लेकिन गाइज कुछ चीजें आप जरूर ध्यान रखिएगा, हमारे जो डेविड कॉन्सफेट का सुपरमैन है ये अपने आप को पूरी मूवी में होल्ड बैक करेगा। होल्ड बैक इन द सेंस कि शायद इसको अभी अपना पूरा पोटेंशियल पता नहीं चला है, या अगर इसको पोटेंशियल अपना पता भी है कि मैं इतना ज्यादा पावरफुल हूं, तब भी जब ये बैटल करेगा यानी लड़ेगा इंजीनियर और इस जो दूसरा कैरेक्टर है, तब भी हमारा सुपरमैन बहुत ज्यादा होल्ड बैक करेगा, इसलिए हो सकता है ये काफी ज्यादा पिटता भी रहे। लेकिन गाइज एक बात आप ध्यान रखिएगा, इंजीनियर का जो कैरेक्टर है मैंने ऑलरेडी आपको बताया हुआ है साइबॉर्ग, और जो टर्मिनेटर में जो विलन था जो रोबोट, उसका एक तरीके से कॉम्बिनेशन है। तो अगर VFX CGI बहुत ज्यादा अच्छा रहता है सुपरमैन मूवी का, तो ये जो पर्टिकुलर एक्शन सीन होने वाला है सुपरमैन वर्सेस इंजीनियर का,
गाइस बड़े स्क्रीन पे मजा आ जाएगा इस पूरे एक्शन सीन को देख के, क्योंकि विजुअली जो इंजीनियर का कैरेक्टर है वो अगर अच्छे से किया जाए वीएफएक्स सीजीआई तो डेफिनेटली बहुत ही ज्यादा अच्छा लगेगा। तो मैं तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ कि भैया ये एक्शन सीन किस तरीके से हमें बड़े पर्दे पर दिखाया जाता है।